चलिए यहां पास बात करते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप के बारे में। तो आइसोटोप किसे कहेंगे? जब कोई दो परमाणु पर जो एटॉमिक नंबर है वह एटॉमिक नंबर अगर सेम रहता हो और जो एटॉमिक मास है वह एटॉमिक मास जो है वह अलग अलग हो, तब इस तरह के एटम को आइसोटोप कहा जाएगा। एग्जाम्पल बात करें यहां पास कि अगर कार्बन के बात कर ले, कार्बन जो कि 6 परमाणु क्रमांक होता है और उनकी परमाणु भार होता है वह 12 होता है, वैसे ही कार्बन की जो परमाणु क्रमांक 6 परमाणु भार 13 भी होता है और कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 और 1 होता है परमाणु भार 14 होता है। इस तरह से अगर बात किया जाए जो यहां पास 6 है वह जेड की वैल्यू है जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो यहां पास जो जेड है वह सभी में सेम है लेकिन उसके एटॉमिक मास की बात किया जाए तो एक में एटॉमिक मास 12, एक बार 13 है और एक कार्बन पर 14 है। इस तरह से अगर उसकी एटॉमिक जो मास है वह अलग अलग हो तब उसको आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार की बारे में बात करें कि आइसोबार किसे कहते हैं? जब कोई दो परमाणु पर एटॉमिक नंबर जो होता है वह अलग अलग हो और जो एटॉमिक मास होता है वह एटॉमिक मास अगर सेम हो तब उस कंडीशन में उस एटम को आइसोबार कहा जाएगा। एग्जाम्पल बेरियम 4 जब एटॉमिक नंबर हो और उसकी 7 जो होता है एटॉमिक मास हो, वैसे एक और बेरियम की बात कर ले, इस तरह से बात किया जाए तो यहां पास जेड इज इक्वल टू 4 और यहां पास भी जेड इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 7 और ए इज इक्वल टू 9। जेड इज इक्वल टू अगर सेम हो तो बार की एग्जाम्पल की बात करें, अगर कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 हो और परमाणु भार 14 हो, वैसे ही नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक 7 और उनकी परमाणु भार 14 हो। आइसोटोन की बात करें तो आइसोटोन क्या होगा कि अगर किसी भी परमाणु पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, जो न्यूट्रॉन है वह न्यूट्रॉन अगर सेम होता हो और उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वह अलग अलग हो, तब इस कंडीशन में जो एटम होगा इस एटम को आइसोटोन कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें यहां से फास्फोरस 15, 31 और सल्फर जो होता है वह 16, 32 की बात करें, तो यहां पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पास जो है जो कि एटॉमिक मास जो है 31 है, इसके हिसाब से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 16 है। वैसे ही सल्फर की बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि 16 और जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन है और यहां पास न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू जे, यहां पास ए की वैल्यू आता है जो कि 32 है और इस 32 में 16 की माइनस कर दिया जाए तो इस कंडीशन में यहां पास आता है 16। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहां पास डिफरेंट है और जो न्यूट्रॉन है वह न्यूट्रॉन सेम है, जो न्यूट्रॉन सेम है इसी को बोला जाता है आइसोटोन। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, यहां पास बात करते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के यहां पास 3 तरह से आइसोटोप है, एक है प्रोटियम जिसको हाइड्रोजन भी कहा जाता है
ड्यूटेरियम और इनका नाम है ट्राइटियम, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, प्रोटियम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, प्रोटॉनों की संख्या भी एक और न्यूट्रॉनों की संख्या जीरो है। वैसे ही ड्यूटेरियम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, प्रोटॉनों की संख्या एक और न्यूट्रॉनों की संख्या एक है। ट्राइटियम पर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, प्रोटॉनों की संख्या एक है और उसके साथ साथ जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह दो है। इस तरह से अगर बात किया जाए, हाइड्रोजन पर जो जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर है वह पी के बराबर है, यानी कि जेड की वैल्यू जो होता है वन है, और जो एटॉमिक मास है उनकी वैल्यू की बात किया जाए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इस तरह से इनकी वैल्यू जो होता है एटॉमिक मास प्रोटॉनों की संख्या एक है और न्यूट्रॉनों की संख्या जीरो है, इस तरह से इनकी जो एटॉमिक मास है वह जीरो है। वैसे ही ड्यूटेरियम की बात किया जाए, जेड की वैल्यू जो की है पी और ई के इक्वल यानी कि एक है, और जो एटॉमिक मास है टी प्लस एन इज इक्वल टू टू है। वैसे ही ट्राइटियम की बात किया जाए, जेड की वैल्यू ई या पी के इक्वल यानी कि वन है, और जो ए की वैल्यू है वह पी प्लस एन की वैल्यू यानी कि यहां पास थ्री है। इस तरह से हाइड्रोजन के यह आइसोटोप होता है। क्वेश्चन की बातें करें यहां पास, तो यहां पास जो नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रोजन तीन तरह से आइसोटोप लिखा गया है। एक नाइट्रोजन में जिनका एटॉमिक नंबर सात, एटॉमिक मास 12 है, दूसरे नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर सात और एटॉमिक नंबर जो मास है 14, एक और नाइट्रोजन है जिस पर एटॉमिक नंबर सात और एटॉमिक मास जो होता है वह 16 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें कि जो ये नाइट्रोजन दिख रहा है जिसकी परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान एक में 12, एक में 14 और एक में 16 है, वह आपस में आइसोटोप है, क्यों? तो यहां पर देखें, इनकी वैल्यू जेड की वैल्यू की बात किया जाए 7, इनकी भी जेड की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू इनका भी 7, ए की वैल्यू की बात किया जाए 12, इस तरह से इनकी भी एल की वैल्यू की बात किया जाए 14 और इनकी भी ए की वैल्यू की अगर बात किया जाए उस कंडीशन में यहां पास 16। तो यहां पास अगर एटॉमिक नंबर जो है वह सेम है और वैसे ही जो एटॉमिक मास होता है वह एटॉमिक मास जो कि डिफरेंट है, तब इस तरह से जो एटम होता है इसको आइसोटोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू की बात किया जाए कि जो नाइट्रोजन सात और उनकी द्रव्यमान जो है 16 है, इनका आइसोटोप बताइए। इस नाइट्रोजन में जो ए की वैल्यू है वह 16 है और जेड की वैल्यू है वह 7 है। एकात एग्जाम्पल की बात करें जिसको आइसोबार यानी कि जिस पर एटॉमिक नंबर जो है वह अलग अलग हो और जो एटॉमिक मास है वह सेम हो, वैसे ही आंसर की बात किया जाए तो देखते हैं, ऑक्सीजन 16, इसमें अगर देखा जाए तो जेड की वैल्यू है वह 8 है और ए की वैल्यू है तो है वह है 16। तो इस तरह से एटॉमिक मास अलग अलग है और एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इसको बोला जाता है आइसोबार, यानी कि जो नाइट्रोजन 7 16 है उसमें उसका आइसोबार जो होता है ऑक्सीजन 8 16 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन ये है कि जो नाइट्रोजन 7 12 और जो बेरियम जो है 4 9, क्या वह आपस में आइसोटोप है, आइसोबार है या आइसोटोन है? यहां पास देखे, आइसोटोप मिला के देखे, इस वाले नाइट्रोजन में जो जेड की वैल्यू है वह 7 है, जो बेरियम है उस बेरियम में जेड की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू की बात किया जाए 12 है
और इस पर ए की वैल्यू की बात किया जाए, यहां पास ए है, तो इस तरह से जेड और ए दोनों की नंबर अलग अलग है, तो इनका आंसर यह गलत है। आइसोबार की बात करें, आइसोबार या देखेंगे यहां पास क्या इस पर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास सेम है, नहीं है, उस कंडीशन में यह भी आइसोबार नहीं है। आइसोटोन की बात करें तो आइसोटोन हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वह सेम हो जाए रहे और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह डिफरेंट रहे, तब उसको आइसोटोन कहा जाता है। यहां पास बात किया जाए आइसोटोन की, जो कि नाइट्रोजन पर परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 है, और बेरिलियम पर बात किया जाए तो उसकी परमाणु क्रमांक 4 है और परमाणु भार 9 है। इस तरह से अगर बात किया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पास 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वह 5 है। वैसे इसकी बात किया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो इज इक्वल टू यहां पास भी 5 है। यहां पास देखा जाए न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, तो इस तरह से इस कंपाउंड की बात किया जाए तो इस कंपाउंड की आंसर है आइसोटोन। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।